सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नितेश और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे लर्निंग चैनल एग्जाम डोज में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इतिहास से जुड़ा है और आज हम जानेंगे यूरोपियों का आगमन, मतलब हमारे देश में यूरोपियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, उससे जुड़े कुछ प्रश्न रहेंगे जिसका एक छोटा सा मॉक टेस्ट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बहुत सिंपल है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और इसका आंसर सबको पता होगा और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सेवर, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अगला सवाल है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और इसका आंसर हम बचपन से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा। और इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, मैंगल्स, वास्को डिगामा या थॉमस मूर। और इसका आंसर भी हमको सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी ने भारत आगमन पर सर्व प्रमुख उद्देश्य था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने, किन्नानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने या ट्रावणकोर के त्रिवेदी ने। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन होगा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन, कालीकट, पुलिकट या किन्नानूर। और इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो दा कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि सेम ऑप्शंस से हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह से। आइए आगे देखते हैं, इंटरलोफर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, अधिकृत व्यापारी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। आगे देखते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक करके एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली अदिल शाह, या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक बार पूछा भी था, डुप्ले, क्लाइव, लाली, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पढ़ने का थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा दूंगा इसमें क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पढ़ें, सही आंसर टिक करें। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हमारे दोनों चैनल लर्निंग नीड और एग्जाम डोज में बने रहें जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होती रहे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वांडीवास का युद्ध 1760, बेदरा का युद्ध 1759, प्लासी का युद्ध 1757, या बक्सर का युद्ध 1764। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध 1760 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? एला सापेल की संधि, गुडेहू की संधि, पौंडीचेरी की संधि, या पेरिस की संधि? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एला सापेल की संधि से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन है डुप्ले, लाली, गोडेहू, या क्लाइव। और जैसा कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, या पुर्तगाली? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब,
जहांगीर, अकबर या हुमायूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए और कंफ्यूज ना हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, या ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया। अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध 1760 में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मॉक टेस्ट, और अब मैं पूछने जा रहा हूं आज से आपका सवाल। तो आज के लिए आपका सवाल है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों आज के लिए ये था हमारा एक छोटा सा मॉक टेस्ट, कल हम देखेंगे एक नया टॉपिक, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।